लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज 89 और प्रेस करें बेल आइकन। चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार, एक शाम झूले लाल जी के नाम। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल राजपुरा शहर में हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, भगवान श्री झूले लाल जी का। क्योंकि राजपुरा टाउन में बने झूले लाल जी के विशाल मंदिर में आजकल काफी उत्सव जैसा माहौल है। हो भी क्यों ना, राजपुरा के लोग हर वर्ष इस धार्मिक उत्सव का बड़ी बेसब्री से इंतजार जो करते हैं। इस उपलक्ष्य में इस वर्ष भी भगवान श्री झूले लाल जी की 72वीं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन 4 अगस्त दिन रविवार को उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार में होने जा रहा है। यह शोभा यात्रा हरिद्वार के श्री गणेश बालपुर धर्मशाला के नजदीक रामलीला ग्राउंड से शाम 4 बजे शुरू होकर लगभग 7 बजे हर की पौड़ी पर पहुंचेगी और फिर भगवान झूले लाल जी के जयकारों के बीच झूले लाल जी की बेड़ियों को श्री गंगा जी में प्रवाह कर दिया जाएगा। पर उससे पहले न्यूज 89 की टीम पहुंची 2 अगस्त को राजपुरा में बने भगवान झूले लाल जी के मंदिर में, जहां चंद्रात के मौके पर यहां धार्मिक उत्सव देखते ही बनता था। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण मंदिर पहुंचे और भगवान झूले लाल जी की आरती में मौजूद रहे। खूब डांडिया किया गया, खूब धार्मिक नाच गान हुआ, झूले लाल जी की बेड़ियों की पूजा की गई। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या पुरुष, सभी भगवान झूले लाल जी के रंग में रंगे हुए नजर आए। इस मौके पर न्यूज 89 की टीम की ओर से मंदिर सभा के सदस्यों व भारतीय बालपुरी सभा के राष्ट्रीय उपप्रधान श्री श्याम सुंदर वधवा से बात भी की गई और इस मंदिर के इतिहास व उक्त उत्सव की महत्ता के बारे में जानने की कोशिश की गई। आइए आप भी सुनिए इस मंदिर का इतिहास व इस उत्सव को कैसे मनाया जाता है आयोजकों की जुबानी। लाल साईं जी का मंदिर जो यहाँ बना है, इसकी अगर पीछे से लेके जाएं तो ये पाकिस्तान के टाइम से वहाँ पे सिंधु में झूले लाल साईं जी का मंदिर था। वहाँ से हमारे बाबा दीपचंद जी हैं, पार्टीशन के टाइम 1947 में ये अखंड ज्योत वहाँ से झूले लाल साईं की लेके आए थे। तब से लेके ये अखंड ज्योत अभी तक प्रज्वलित है और ये हमेशा अखंड ज्योत रहेगी। वहाँ से आने के बाद उन्होंने झूले लाल जी का मंदिर जो स्थान जो है वो अपने घर में एक कमरे में बनाया और वहाँ उनकी सेवा करते रहे। सारी संगत उनके साथ, झूले लाल जी के जो सेवक हैं उनके साथ अटैच रहे। इतने साल उन्होंने वहाँ सेवा की। जब उनके यहाँ स्वर्ग सुधारने के बाद मंदिर यहाँ एक हुआ कि इस मंदिर का विस्तार किया जाए और किसी अलग जगह पे इस मंदिर को बनाया जाए, तो ये झूले लाल साईं की सभा बनाई गई और यहाँ पे ये ज़मीन खरीद कर झूले लाल साईं की का विशाल मंदिर बनाया गया। अभी ये जो आपने पूछा कि जो बेड़ी प्रवाह, जल प्रवाह की जाती है, उसका क्या महत्व है, साल में हमारे 2 फंक्शन होते हैं, एक चैत्र की चंद्रात और एक सावन की चंद्रात। चैत्र की जो चंद्रात है वो साईं जी के जन्मदिन के स्वरूप में मनाया जाता है और ये सावन की चंद्रात है ये साईं जी के यहाँ से विश्राम के लिए है। तो ये बेड़ी जो जल प्रवाह की जाती है ये उसका सांकेतिक रूप है कि साईं जी अब यहाँ से वो प्रस्थान कर रहे हैं, इस सृष्टि से इस अपने स्थान को कर रहे हैं। तो ये उसको सांकेतिक जो हम सेलिब्रेट करते हैं कि बेड़ी बनाते हैं साईं जी के नाम की और यहाँ से फिर हरिद्वार ले सारी संगत लेके जाती है। चंद्रात, सावन की चंद्रात से और चैत्र की चंद्रात, दोनों चंद्रात से पहले यहाँ पे शोभा यात्रा होती है। चंद्रात वाले दिन भंडारा होता है, विशाल भंडारा होता है, शाम को आरती होती है और रात को साईं जी के कीर्तन के बाद
पवित्र पंजड़े गाए जाते हैं। तो चैत्री में जन्मदिन केक काटा जाता है, जन्मदिन की तरह मनाते हैं। सावन में क्योंकि ये विसर्जन का टाइम है, इसलिए बेड़ी उनकी बनाई जाती है कि उस बेड़ी में बैठ के, क्योंकि उनका जो अवतार हुआ था वो मछली पर जल में हुआ था, इसलिए बेड़ी भी जो है ना जल प्रवाह की जाती है कि वो अपने स्थान को यहाँ से विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। तो उस बेड़ी को आदर के साथ, श्रद्धा के साथ पूरी संगत यहाँ से पंजड़ों के बाद ये हरिद्वार जाएंगे, वहाँ पे फिर पूरा शोभा यात्रा के साथ इसको गंगा जी घाट पे परसों, जैसे 4 तारीख रविवार को आरती, गंगा आरती से थोड़ी देर पहले पंजड़े गानों के बाद वहाँ पे जल प्रवाह की जाएगी। पे हमारा जो स्थान होता है वहाँ श्री गणेश बालपुर धर्मशाला रामलीला मैदान हरिद्वार होता है, वहाँ पे भी हमारा लंगर चलता है 2 दिन। वहाँ से जो हमारा टाइम है वहाँ से पुलिस प्रशासन की परमिशन लेके पूरा हाथी घोड़े बैंड बाजा के साथ ये बेड़ी को जो है हर की पौड़ी के साथ सारी संगत ले जाती है। पूरा हरिद्वार हमारी इस शोभा यात्रा में शामिल हो जाता है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। हर की पौड़ी में जाके दूसरी साइड में वहाँ फिर कथा कीर्तन होता है, साईं जी के पंजड़े गाए जाते हैं और गंगा आरती से 5-10 मिनट पहले इस बेड़ी को श्रद्धापूर्वक जल प्रवाह किया जाता है। जैसे ये चंद्र रात का दिन है, अभी दिन को भंडारा था, अभी आरती हुई है और इसके बाद कथा कीर्तन के बाद पंजड़े गाए जाएंगे। तो जो कल और 2 दिन जाने के हैं, संगत जैसे भी जा सकती है, सबने रविवार तक वहाँ बालपुर धर्मशाला में इकट्ठे होना है। वहाँ पे शाम को 4 बजे जो है बैंड बाजे और सारी शोभा यात्रा स्टार्ट होगी बालपुर धर्मशाला से, और ये मेन सड़क से होते हुए हर की पौड़ी तक पहुँचेगी। शाम को 6 बजे तक पहुँचेगी और 6 से 6:30 तक 7:30 तक हमारा कथा कीर्तन पंजड़े होंगे और फिर जो बेड़ी को है वो जल प्रवाह किया जाएगा। कितने लोग राजपुरा और पटियाला जिला से आधा राजपुरा वहाँ पे है, सिर्फ राजपुरा नहीं, अलग अलग शहरों से भी जो साईं जी के सेवक हैं, पटियाला, त्रिपड़ी, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मलेरकोटला, अलग अलग शहर से जहाँ जहाँ से भी साईं जी के सेवक हैं सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। पैर रखने की जगह नहीं होती है, और एक तो धर्मशालाओं में जगह नहीं होती, और जब मेन रोड पे हमारा शोभा यात्रा निकलती है वहाँ भी एक समय से ये समझ लो कि पूरा हरिद्वार एक तरह से जाम हो गया। सब तो पहला मैं श्री अमरलाल साईं जी दी जयकार लवे सूँ, सारे मिलके ले सूँ, अमरलाल साईं जी दी जय, झूलेलाल साईं जी जय, हमारे लाल की जय, सब तो पहला था श्री अमरलाल साईं जी दी जिवें के हिस्ट्री ग्रोवर साहब ने दसी है। साकू बड़ी खुशी है कि साढ़े बहावलपुर समाज के जिमें मुल्तानी समाज है बाकी ने सब दे कुल गुरु हैं जिन्हें दी शरण दे विच तन मन जिहड़ा जिन्हें समर्पित करते तो बहु कुछ जिहड़ा है खुशियां प्राप्त करते और ही आस दे नाल ही जिहड़ा है सारा संसार दे विच जिहड़ा है चलती पई है। हीने दी जिन्नी भी महिमा की वजे वो थोड़ी है क्योंकि पहला सगू मेरे बजुर्ग हैं वो पाकिस्तान तो दसेंदे हैं कि वह इो जो करिश्मे सगू दिखाएन कि सारिया जो अखा भी खोल पेंदे हैं। हूँ तो जिनी महिमा की वजे थोड़ी है जिमें कि हम पहले भी दसा गए कि सारे जोड़े अमरलाल साईं जी की जी सवारी है वो जी है जल की राणी जी मछली है हूने के उत्ते जी सवारी करते हैं और जी आवन वाली 4 तरीक को हरिद्वार के जोड़ा है पूरा बहावलपुर समाज इंडिया के आते ये कहना कि कला राजपुर दवे पे धुलिया के उत्तों भी अपने पानीपत तो मुजफ्फर तो राजस्थान गुजरात योजा कोई स्टेट कह नहीं है जितों अपने बहावलपुरी ही चीज़ को गुरु कुल को ना मनते हो तो हूँ को जोड़ा श्रद्धापूर्वक जोड़ा वो मनते हैं। मैं ये बेनती कर सा कि यह बहु बड़ा उपराला आते जिमें अज साढ़े राजपुरे के अपने श्री श्री झूले लाल जी मंदिर जी मैनेजमेंट कमेटी जिमें रामचंद ग्रोवर जी सुरेंद्र सेठी जी तो बाकी मैनेजमेंट का असर धन्यवाद कर रहे हैं कि हर साल ये जोड़ा हरिद्वार के हर चंद रात को राजपुरे के पूजा लंगर के लोगों के भावना जो जगह रखते हैं ये असा इन्हें तो बहुत बहुत ऋणी है और असा यही इन्हों को आस करते हैं कि इवें ही समाज का काम करते रहन तो जोड़ा है खुशियां प्राप्त करते रहन। जय झूले लाल सिंह लाल सवे चो झूले लाल सवे चो झूले लाल बहुत श्री हमारे लाल की जय। झूले लाल साईं के मंदिर में
हैं, सबकी आशाएं पूरी होती हैं। जैसे भाई कंवर दास जी ने अपने मुर्दे को जिंदा, बच्चे मुर्दे को जिंदा कर दिया था, ऐसे भगवान सबको बच्चे झूले लाल साईं सबको बेड़ा पार करते हैं और लाल देते हैं, झोली भरते हैं, उनको खुशियां मनाते हैं सारे। इसलिए वहाँ पे यहाँ अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ सारे आते हैं, सारे यहाँ का जल लेते हैं, जल दरिया बादशाह का नमस्कार करते हैं, जोतें जगाते हैं। शादी हमारी रीति रिवाज यही है, शादियों में भी हम इन यहाँ पे जोतें जगाते हैं और कोई भी बच्चा होता है सब कुछ जिंदगी बहुत महिला से बहुत ज़्यादा पहुँचती है। राजपुरा से संदीप चौधरी की विशेष रिपोर्ट, न्यूज 89। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज 89 और प्रेस करें बेल आइकन।